सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मजबूल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिना फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप एयर मोड को ऑन करके आप किस तरह से कोई भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से आपके मोबाइल में कॉलिंग नहीं आएगा और आप नेट का उपयोग कर पाएंगे इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर आ गया हूँ और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं पहले आपको नेट चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेट चलाने का कोशिश करूँगा, बट यहाँ पे नेट नहीं चलेगा, लेकिन आप चला सकते हो एयर मोड करके भी। तो यहाँ पे देखिए, अभी सर्च किया तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन आप कुछ सेटिंग करेंगे तो आपका जो इंटरनेट चलेगा बट कॉल आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सर्च करके भी दिखा देता हूँ लाइव, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने सर्च किया लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आया। मैं अब ये हो गया क्रोम ब्राउज़र को, अब यूट्यूब को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ भी कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, तो यहाँ भी कुछ नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ भी किसी कैसे चलाएंगे यूट्यूब को, वो भी एयर मोड पे ऑन किए हुए, तो यहाँ भी यूट्यूब नहीं चल रहा है। और टिकटॉक को भी ओपन किया तो यहाँ भी नहीं चल रहा है, बट आप इसे चला सकते हो एयर मोड पे और इसमें कॉल आपका नहीं आएगा। सो अगर आप खेलते हैं पबजी और उसमें अगर कॉलिंग आता है तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, अब आपका कॉल नहीं आएगा और आप पबजी बिल्कुल आसानी तरीके से खेल पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पे आ जाना है और अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करते रहेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते रहेंगे इस तरह से चार बार, तो कुछ 3 स्टेप आपको पूरा करना है, उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा। उसके पहले बात आपको ध्यान देना है कि किस सिम से आपको नेट चलाना है। तो मुझे मेरा जो सिम लगा हुआ है सिम 2 पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ नीचे वाले 2 पे क्लिक करता हूँ। दिन यहाँ पे इस तरह से कुछ पेज खुल जाएंगे। ये हो जाने के बाद आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर, तो ये ऑफ आपको मिलेगा। तो इसे आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे एरो मोड के जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी नेट का जो स्पीड आ जाएगा और यहाँ डाटा रिसीव्ड, डाटा सेंट, ये भी चलने लगेगा। तो जैसे मैंने ऑन किया ये चलने लगा, यानी नेट काम करेगा आपका ओनली और यहाँ पे आपका कॉल नहीं आएगा। तो बिल्कुल भी आपको जो पबजी खेलते समय आपका कुछ भी फ़ोन वगैरह नहीं आएगा और आपका गेम जो है स्मूथ चलेगा, बिना लेग के चलेगा। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं अभी सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख, जो भी मैं सर्च करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे वो खुल जाएगा। तो मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यूट्यूब को ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही यूट्यूब को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नेट चल रहा है। बट याद रखिएगा, आपको ये आप तभी कीजिए जब आपको कॉल, अगर कोई कॉल करके परेशान कर रहा है और आप अगर नेट का उपयोग करना चाहते हैं। सो इसमें कॉल नहीं आएगा, बट आप इसे नेट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली वे, यहाँ पे नेट चल रहा है। मैं आपको कोई एक वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चल रहा है इजी वे, और ये दिखा दिया। उसके बाद मैं फिर दिखा देता हूँ आपको यूट्यूब को ओपन करके। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब को ओपन किया, देन वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अभी जो आपका जो बहुत सारे वीडियो भी अभी आ रहा है, और यहाँ भी मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो ले लूँगा जिसे मैं आपको चला के दिखा दूँगा कि यहाँ भी नेट चलेगा इजीली वे। सो गाइज़, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज़, मैं टिकटॉक को भी कर लेता हूँ ओपन। यहाँ देन रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो चल रहा है, और आप देखेंगे ऊपर पे तो एरो मोड है। अगर फिर भी आप सोचेंगे कि वाईफाई से चला रहे हो भाई या हॉटस्पॉट चला रहे होंगे, तो मैं उसको भी आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पे मेरा वाईफाई अभी यूज़ भी नहीं है, हॉटस्पॉट भी यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे वाईफाई अगर रहेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में दिख जाता आपको कि हाँ वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है या हॉटस्पॉट का, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ना ही वाईफाई है ना ही हॉटस्पॉट का उपयोग कर रहा हूँ बिना कुछ किए। इस तरह से अगर आप सेटिंग कर लेंगे तो बिल्कुल आपका जो नेट है चलेगा, बट आपका कॉल नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे कुछ क्रोम ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ उदाहरण, इस तरह से सर्च करके। और मैं आपको अपना जो पबजी मोबाइल है उसको भी ओपन करके दिखा दूँगा और खेल के भी दिखाऊँगा कि उसमें खेल भी सकते हैं। लेकिन ये फ़ायदे रहेंगे पबजी वालों के लिए, क्योंकि उनको बीच में कॉल आ जाते हैं और उनका गेम लेग होने लगता है,
तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल पबजी मोबाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। देन आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि यहाँ पे वाईफाई का भी उपयोग नहीं किया गया है, ना ही हॉटस्पॉट का उपयोग किया गया है, फिर भी आप चला सकते हो। तो यहाँ पे एयर मोड को ऑन करने के बाद आपका जो है कॉल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए वाईफाई भी नहीं है और यहाँ पे हॉटस्पॉट भी चालू नहीं है। और मैं आपको खेल के भी दिखा देता हूँ इसमें कि किस तरह से आप खेल भी पाएंगे, लेकिन इसमें से कॉल नहीं आएगा। सो आपका गेम काफ़ी स्मूथ चलेगा और आपका गेम लैग भी नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो गेम स्टार्ट हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। सो गाइस, ये ट्रिक तभी उपयोग करें जब आपको कोई कॉल की ज़रूरत नहीं हो या अगर आपका कॉल से कोई डिसमिस हो रहा है, क्योंकि इसमें ये करने के बाद आपका जो इनकमिंग कॉल नहीं होगा और आउटगोइंग कॉल भी नहीं होगा और इससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे आपको पबजी ओपन करके भी दिखा देता हूँ और इसमें खेल के भी दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ पे पबजी ओपन हो गया है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है मेरा टीम ने, तो हम इस टीम को कर लेते हैं सेलेक्ट और इस टीम के साथ में खेल के आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लिक, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया हमारे साथ ये, और मैं इसे थोड़ा बोल देता हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी एरो मोड है। आप देखेंगे ऊपर तो एरो मोड था, मैंने जो नोटिफिकेशन नीचे किया था। अब मैं इसे कर देता हूँ रेडी और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़े ही देर बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से, अभी भी मैंने नोटिफिकेशन नीचे करके फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं और नेट का उपयोग नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से और फिर भी नेट गेम खेल रहा हूँ और नेट चला रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा आपने एरो मोड था, लेकिन बट फिर भी यहाँ पे आप गेम खेल सकते हो इस तरह से ट्रिक को उपयोग करके। तो यहाँ पे मैं अपना गेम प्ले अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं गेम के अंदर ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको माइक थोड़ा म्यूट कर देता हूँ कि उसमें से शोर आ रहा था, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ नो वाईफाई नो हॉटस्पॉट और फिर भी मेरा नेट का स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं और एरो मोड ऑन है, फिर भी मैं गेम को खेल पा रहा हूँ। सो ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।